हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है 19 मई, दिन शुक्रवार का, और आज है वटसावती व्रत। मतलब सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं, सत्यवान सावित्री की कथा पढ़ते हैं, सुनाते हैं। तो हम लोग भी अभी पूजा के लिए तैयार हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ आज की पूजा इनके वटसावती व्रत की। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। और ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर शुरू हो रही है वटसावित्री पूजा। शाम के समय कथा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वटसावित्री पूजा और सत्यवान सावित्री कथा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन ये व्रत मनाया जाता है, और कहते हैं इसी दिन शनि देव की जन्म तिथि भी होती है। ये देखिए, वट वृक्ष की पूजा और उसके बाद फिर सत्यवान सावित्री की कथा। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधिपूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूलोक, भूलोक, स्वलोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलु को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई, और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह बोले दस बुझते सोहे, तीनों रूप निरखता
नॉर्थ साउथ के बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग सुबह स्नान आदि से निमित्त होकर के मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं जहाँ हमारे पंडित जी बैठे होते हैं पूजा के लिए, और हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं क्योंकि सावित्री ने उस दिन उसी के नीचे अपना ध्यान लगाया था। लेकिन यहाँ वट वृक्ष नहीं मिलता है तो हम वट वृक्ष की शाखा लेके आए होते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। तो उसके बाद हम घर में आकर के कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं और फिर हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। और ये हम सभी सुहागिन औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं और उसके बाद हम शाम के टाइम पे ही खाना खाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वट सावित्री व्रत कथा, पूजा कैसे इसके किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।